दोस्तों तनुषा शर्मा की मौत के बाद एक्ट्रेस के घर वालों ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर शिजान खान को उनकी मौत का जिम्मेदार बताया था, जिसके चलते एक्टर को पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था और अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में भी हैं। लेकिन ऐसे में अब उर्फी जावेद जो है वो शिजान के सपोर्ट में आई है और इस चीज़ के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर भी किया है, जिसमें उन्होंने तनुषा सुसाइड केस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा है, हाँ शिजान गलत हो सकता है, शायद उसने तनुषा को धोखा दिया हो, लेकिन तनुषा की मौत के लिए हम शिजान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसे जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फिर से कहती हूँ कि कोई भी इस लायक नहीं होता कि आप उसके लिए अपनी जान दे दो। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको प्यार करते हैं और खुद से थोड़ा और प्यार करने की कोशिश करें। सुसाइड के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता है, जिन्हें आप पीछे छोड़कर चले जाते हैं वो सबसे ज़्यादा दर्द झेलते हैं। दोस्तों तनुषा शर्मा की मौत को 3 दिन हो चुके हैं और 27 दिसंबर को 4:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था और इस अंतिम संस्कार के दौरान शिजान की दोनों बहनें और उनकी मम्मी भी वहाँ पर नजर आई थी और सभी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। और मौत के 3 दिन बाद उर्फी का स्टेटमेंट आया है। अब दोस्तों उर्फी जावेद के रिएक्शन से सोशल मीडिया 3 भागों में बढ़ गया है। पहला तो वो जो शिजान के सपोर्ट में है, दूसरा वो जो तनुषा के सपोर्ट में है और तीसरा वो लोग जो उर्फी को बेमतलब गलत सलत कह रहे हैं। अब दोस्तों कौन दोषी है और कौन नहीं इसकी पूरी जानकारी तो हमें कुछ समय बाद ही पता लगेगी जब पुलिस द्वारा पूरी रिपोर्ट बना ली जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।